गई सभी इंस्टाग्राम रील्स पे वरुण धवन और सलमान खान का भेड़िया इफेक्ट वाली वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप भी इस भेड़िया इफेक्ट को यूज करके आप भी अपना रील्स वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस भेड़िया इफेक्ट पे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले रील्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रील्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ऊपर की साइड राइट साइड में मिल जाता है कैमरा का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब गाइस जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो कैमरा ओपन हो जाता है रील्स क्रिएट करने के लिए, और साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑडियो का, इफेक्ट का, और यहाँ पे सेकेंड का कि आप कितने सेकंड का यहाँ पर रील्स क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उसी म्यूजिक को ऐड करना है जिस म्यूजिक को सलमान खान और वरुण धवन ऐड किए हैं। अगर आप दूसरा भी म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। अब वे लोग किस म्यूजिक को ऐड किए हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और मैं उन लोगों का रील्स सेव करके रखा हूँ, तो मैं उनका रील्स दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इनका यहाँ पे जो ऑडियो है, और इस ऑडियो का आइकन यहाँ पे आप देख सकते हो वरुण धवन का फोटो लगा हुआ है ऑडियो के आइकन पे। सिंपली आपको सर्च करना है वरुण धवन, जैसे म्यूजिक ऑप्शन में वरुण धवन सर्च करोगे आपको ये म्यूजिक मिल जाएगा। तो आपको इस म्यूजिक को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो को इन्होंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है फिल्टर यूज करने का इस भेड़िया फिल्टर को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस भेड़िया फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर से मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको म्यूजिक ऐड कर लेना है, तो चलिए अब हम म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। म्यूजिक ऐड कर लेने के बाद आपको इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको कैटेगरी भी मिल जाता है फिल्टर्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है भेड़िया। जैसे आप यहाँ पे भेड़िया सर्च करोगे आपके सामने ये दो नंबर पे भेड़िया इफेक्ट आ जाएगा, जो एक नंबर पे शो कर रहा है भेड़िया और वरुण धवन का यहाँ पे फोटो दिख रहा है। इस इफेक्ट को आपको ऐड नहीं करना है अपने वीडियो में और इस पे क्रिएट नहीं करना है आपको अपना रील्स। आपको यहाँ पे दो नंबर पे जो ये भेड़िया इफेक्ट है इसे सेलेक्ट करना है और इसे यहाँ से आपको सेव कर लेना है, उसके बाद इस पे आपको टैप करना है। अब गाइस इसी इफेक्ट को ऐड करके आपको अपना रील्स क्रिएट करना है। तो इस पे रील्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो टैप एंड होल्ड रिकॉर्ड टू स्टार्ट। तो सिंपली आपको इस इफेक्ट पे टैप करना है और इस इफेक्ट पे आपका यहाँ पे वीडियो रील्स रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड यहाँ पे हो रहा है इस वीडियो में। तो इस प्रकार से आपको इस भेड़िया इफेक्ट को ऐड करके अपना रील्स वीडियो क्रिएट कर लेना है, और जैसे इस इफेक्ट पे रील्स क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं डाउनलोड का, म्यूजिक का और टेस्ट स्टिकर्स इफेक्ट। तो फिर आप इस वीडियो पे एक और इफेक्ट ऐड कर सकते हो इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ से आप दूसरा भी एक और इफेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इफेक्ट भी ऐड हो गया, और भेड़िया इफेक्ट तो मैंने पहले से ऐड करके उस पर रील्स क्रिएट किया है, तो वे भी इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ से म्यूजिक भी आप चेंज कर सकते हो, दूसरा म्यूजिक चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक इफेक्ट और टेक्स्ट ऐड कर लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको एडिट कवर पे क्लिक करके आपको अपने रील्स वीडियो का कवर सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने रील्स वीडियो का कौन सा कवर सेलेक्ट करना चाहते हो, उस कवर को आपको सेलेक्ट करना है, डन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वीडियोज का कैप्शन लिख देना है कि आप अपने वीडियोज का कैप्शन क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अपना कैप्शन लिखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको मिल जाता है ऑल्सो शेयर टू फीड। अगर आप अपने इंस्टा अकाउंट में इसे शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलाउ रहने देना है, इसे ऑन रहने देना है। अगर आप इसे केवल रील्स में ही यहाँ पे शो कराना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है टैग पीपुल, अगर किसी को आप टैग करना चाहते हो तो टैग कर सकते हो इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है और शेयर टू रील्स पे क्लिक करके इस रील्स वीडियो को आपको शेयर कर देना है अपने इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट पे। तो गाइस इस प्रकार से आप इस भेड़िया इफेक्ट को यूज करके अपना रील्स वीडियो बना सकते हो वरुण धवन और सलमान खान जैसा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे रील्स ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।